हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया ने एक मैसेज भेजा हमारी टीम के लिए और हमारी पूरी आवाम के लिए, कौम के लिए, पूरे कंट्री के लिए। बोला है कि तेल लगा के टावर का नाम मिटा दियो बाबा। सीरियसली ये मैसेज गूंज रहा है इस टाइम हर जगह पे। और ये भी पता ही है, एक और बात भी उन्होंने मैसेज दिया है। पूरे अभी हमारे पीएम आए हैं तो उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि ये क्या क्रिकेट क्रिकेट में क्या लगे हुए अंग्रेजों की गेम है। अभी कौन से खिताब किया हमारे पीएम ने, छोड़ पर। और पाकिस्तानी मीडिया एक 1600 हो गया पाकिस्तान में, गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया। सर्दियों में गर्मी आ गई, सर्दियों में भाई गर्मी लग रही है, हमें खुद बहुत गर्मी लग रही है। आपको मैं बता नहीं सकता, जगह जगह में पसीने निकल रहे हैं। आज ऐसी सूजी है, अभी चेयर पे भी बैठा। किस किस छेद से पसीने निकल रहे हमें नहीं पता। पहले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलता है। तो स्टार्ट, अफगानिस्तान ने फेंटा दिया पाकिस्तान को। वेरी एम्बैरेसिंग, रियली रियली एम्बैरेसिंग, लाइक आई एम रियली सुपर सुपर डिसअपॉइंटेड। और बताओ मैं इनको क्या करूं, अफगानिस्तान ने घंटा बजा दिया पाकिस्तान का। ये हमारी बेहतरीन नंबर वन बॉलिंग थी ना, नंबर वन हम हर जगह नंबर वन फेल गए। दोनों इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कह सके और बता सकते हैं। आप अंदाजा लगाएं प्रेशर कितना है। मैं बता रहा हूं, मतलब की अफगानिस्तान वाले पहले पाकिस्तान से क्रिकेट सीखते थे, अब ये उनको सिखाने में लगे हुए हैं। मैं कहूंगा कि ये बात अगर पाकिस्तान की इतनी अच्छी टीम हो के भी अफगानिस्तान जैसी टीम से जा रहा है, हमें फेल के जा रहा है, जो आ रहा हमें फेल के जा रहा है। हमको भी बिजी हो गया सबके लिए, मंत्री का घंटा बना के मारे जो भी आता है, फेल जाता है, जो आता है फेल जाता है। हम रेडी भी बैठे होते हैं, आओ पेल लो, आओ पेल लो, आओ पेल लो, मार लो। सारी कसर निकाल के आउट हुआ गुरबाज। उसने क्या धुलाई किया, 53 बॉलों पे 65 स्कोर, 9 चौके, 1 छक्का और स्टेपिए की इतनी धुलाई कर दिया ना, एक ही ओवर में हारिस राव को 4-4 चौके जोड़ के मार दिए। हारिस राव तो अफगानिस्तान कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान उनसे ऊपर आए। और उनकी भी बात ठीक है, जो हालात जा रहे हैं इस टाइम पाकिस्तान के, पाकिस्तान और भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है। तो सारी सी बात, अफगानिस्तान चाहता है पाकिस्तान को किसी तरह डोमिनेट करे। अब ये मैच में देख रहे हैं जो अफगानियों ने पाकिस्तान का हाल कर दिया। नमस्कार दोस्तों, अपनी इतिहास बन चुका है भारत की सरजमीन पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ठोक दिया है। जिस तरह से ठोका है, मतलब पाकिस्तानियों के मुंह पे एक लात मारा है, थप्पड़ मारा है और कुत्तों की तरह उनको हरा है। एक ओवर रहते हुए अफगानिस्तान ने 8 विकेट से मैच जीत लिया है और 283 रन। कभी पाकिस्तानी सोच रहे थे कि ये तो मतलब हमारी जो साइन है, हारिस है, जो हमारी हसन है, इसके सामने तो अफगानिस्तान टिक नहीं पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आज गुरबाज ने और उनके और एक जो ओपनर थे उन्होंने उनकी पिलाई और धुलाई की है, इसके बाद तो पाकिस्तान की मतलब लाइन ऑफ लेंथ ही बदल गई और पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। इसके बाद पाकियों का तो रोना बाकी था। पाकि आज रो रो के उनकी मतलब बुरा हाल है और अफगानिस्तान में आज दिवाली मनेगा ही मनेगा, ये तो आप जानते हैं। और शोएब अख्तर भी आज बहुत ज्यादा रो रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। मैं आपको वीडियो अफगानिस्तान ने घंटा बजा दिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान का टैलेंट ये वो बढ़ गया। पहले बात सुन के अफगानिस्तान ने घंटा बजा दिया, अफगानिस्तान ने आपका घंटा बजा दिया, आपको आपकी औकात याद दिलवा दिया। वो शर्म नाम की कोई चीज होती है। ये अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की टीम को ऐसा रंबू लगाया। उन्होंने आपके चेहरे के ऊपर एक्स्ट्रा प्रो मैक्स जहन्नम की लानत पे दी है। शर्म कर लो, पाकिस्तान का नाम बदनाम करवाते हो, हर जगह जाते हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोग पागल हो गए हो। वो घंटा, वो नेपाली घंटा, वो जो बाबर आजम है जो नेपाल के नाम से उसका भी घंटा बजा दिया उन्होंने। वो शर्म करो, शर्म कर लो। पाकिस्तान नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। ये टैलेंट है पाकिस्तान को, टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है। टैलेंट है आपका, और ऐसे टैलेंट को तो मैं कहता हूँ रूढ़ी पे रखो। ऐसे टैलेंट को निकालो, इनको निकलो बाहर। टैलेंट बहुत ज्यादा है, घंटा बजवा दिया आपने, शर्म नहीं आती आपको? अपने मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हो। बड़ी को मुश्किल पेच बन गई थी ना, आपसे बेहतर तो अफगानिस्तान है। मुझे बड़ा प्यार है अपनी कंट्री से, बड़ा प्यार करता हूँ मैं। मेरा दिमाग तपता है जब ये बेइज्जती करवाते हैं, मेरा दिमाग तपता है जब ये जलील करवाते हैं। मेरा दिमाग में मेरा सर दर्द शुरू हो गया हुआ है, मुझे सर दर्द हो रहा है। ये जलील करवा रहे हैं हमें, शर्म कर लो थोड़ी सी। फिर बोलोगे कि ये गालियां देता है और मैं क्या करूँ, क्या इनका मैं क्या करूं? मैं पहली जा रहे हैं, हम 100 आ रहे हैं, हमें पेल के जा रहा है, जो आ रहा हमें पेल के जा रहा है। हमको भी बिजी हो गया सबके लिए,
हम तो सबके लिए इजी हो गए हैं, इजी टारगेट है, जो आता है फेल जाता है, जो आता है फेल जाता है। हम रेडी भी बैठे नेदरलैंड को रहा है ना, आओ पेलो नेदरलैंड को रहा है। शेम ऑन यू, इनको शर्म आ गई लेकिन इनको नहीं आएगी। जान अफगानिस्तान की टीम ने बाबर आजम 11 घंटों की शलवार उतार के उनकी बैंड बचा के रख दिया। तारीख का काला तरीन दिन, शर्मनाक तरीन दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री का। ये बाबर आजम घंटे की टीम है, ये बाबर आजम घंटे का प्रोडक्ट है, ये इसकी दोस्ती यारियां नलायकियां बहती है। पाकिस्तान के क्रिकेट के दोस्त जो कहते हैं नमक आराम है, पिछावर से क्रिकेट सीखी है और हमारे उन पे एहसान है, आज उन्होंने बैंड बचा के रख दिया। आपकी पाकिस्तानी टीम का जनाजा पढ़ा दो। हम तो इतने अरसे से कह रहे हैं ये घंटे में दम नहीं है, और इस घंटे के फैंस आज खुश होंगे। इसने 74 बना दिया, इसकी फॉर्म वापस आ गई, इसकी बैटिंग वापस आ गई, इसने 88 मीटर का छक्का मार दिया, और अफगानिस्तान ने आपको 888 मीटर की बचा। बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या बस कर दे, अब रुलाएगा क्या। अब थोड़ी सी बारी हमारी भी है। ओ यार, ओहो, एयरपोर्ट वालों ने भी कहा है ना कि अब टमाटर अंडों से बात ही चली, बात ऊपर तक चली गई। अब क्या सोचे, क्या लेकर अंडे महंगे हो गए, उधर क्या लेकर गए हमारी अमाम, तो वो भी अब नहीं ले सकते भाई, ना भाई। मैं एक बात करना चाहूंगा इधर, पहले इस तरह का मैं कोई वीडियो देखता था ना पाक मीडिया वाला, एक अंदर पता नहीं कोने पे आकर दर्द होता था कि अपनी टीम है, चलो फिर बाउंस बैक करेगी, छोड़ो जलील का। आज सुकून, लेकिन आज कसम सुकून मिल रहा है, आज इनकी बेस्ट सुकून मिल रहा है यार। देखो वो अभी मेरा एक दोस्त थोड़ी देर पहले जब मारा ना, तो हम वीडियो बनाकर नीचे गए, तो उसकी मुझे कॉल आई, उसने बड़े प्यार से मोहब्बत से उसने कहा कि मैं नीचे खड़ा हूँ आओ। मैं नीचे चला गया, मैं चला गया तो उसने एक बाबर की पिक्चर ली हुई थी और एक जो है ना पिक्चर ली थी शाइन वगैरह की, और एक ग्रुप टीम का था, और एक उसने चील पकड़ा था उसके बाद, और उसके पर काटे हुए थे, उसने पंजे और पर काटे, और साथ में डाबर का तेल भी पकड़ा हुआ था। कहते हैं उसने मुझे आकर, मैं कहता तुम भी डाबर लगाओ, हम भी लगाते और आराम से सो जाओ, सो जाओ। बिलीव नहीं करोगे, उसने अपनी घर की टीवी तोड़ दी। बेचारे ने 1500 रुपए की ली थी, उसने टीवी ली थी 1500 की, वो भी कोई पता नहीं किस जमाने की, वो तोड़ कर उसका अच्छा भला, उसको मैंने बोला था भेज उसका पिज्जा खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, अच्छा भला वो माना नहीं है। और ये हुआ यार, पाकिस्तानी टीम शोएब अख्तर ने सर्व कहा लिया, पता है तू सर की बात कर रहा, पूरे पाकिस्तान में बर्नौल शॉट हो गई है, जिधर देख आग ही आग लगी हुई है पीछे, ये भाई मुझे पीछे ये मुझे गर्मी लग रही है, पूरे पाकिस्तान से शोले उगल रहे हैं पता यार, ये गर्म माहौल हो गया पाकिस्तान का, असल में इसलिए गर्म माहौल हो गया ना कि इधर इतना बर्नौल बिका है कि मतलब हर तरफ आग आग ही आग जो है ना, धुएं फैले हुए हैं हर तरफ, आग लगी हुई है, अब हमारी सीट के नीचे भी लगी है, लेकिन अब हम क्या करें। सच बोलो ना, सही बात है, बहुत प्यार करते थे अपनी टीम से, बहुत प्यार करते थे सच में, दुख होता है जब ऐसे करती है ना, यकीन करो इंसान है बंदा, फिर इंसान है तो बंदा, आप मैं बहुत कंट्रोल करके बोल रहा हूँ, सही बात, इंसान है क्या कर रहे हैं, इसने जो जो गाली दी है बेहतर बता नहीं सकता, वो गाली जो इसने दी है सच में। लेकिन क्या है ना, मुझे अगर आप हमारी मुसलसल वीडियोस देख रहे हैं जब से वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, तो मैं हर वीडियो में तकरीबन यही कहता था, हमें किसी टीम से डर नहीं है, हमें अफगानिस्तान से डर है। उसकी क्यों, उसकी मेन वजह क्यों थी, हमें वो हमारे खिलाफ ऐसे खेलते हैं ना, नहीं, 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 जिस तरह वो वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं अफगानिस्तान के, हमारे वो जब भी हारे हैं पाकिस्तान से बहुत लड़कर हारे हैं, और हमें पता था कि इसी तरह ही होगा, और जो छठी एस मेरी कह रही थी ना वो हुई है। और दूसरी बात, एक और बात करने दो फिर उसके बाद बंद करते हैं। अगर कोई कह रहा है कि पाकिस्तान अपसेट हुआ है पाकिस्तान के साथ, नहीं, अपसेट तब होता है जब पाकिस्तान अफगानिस्तान को हराता है, अपसेट ये वो अपनी मेहनत के बलबूते पर जीते हैं भाई, ये अपसेट नहीं है, इसको कहते हैं पेलना। फाइनली नारा लगाओ सब, तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का, ये और बाबर मुझे इस टीम में नहीं चाहिए भाई, तेरी कैप्टेंसी से अच्छा मैं जाके अपना, मैं बड़ा पेट लेकर अपना यार एक सच बात बोलूं, मुझे यूनिटी नहीं है टीम में, बॉलर्स कोई नहीं है हमारे पास, बाढ़ में गई यूनिटी भाई, एक दूसरे का इतने भाई हैं, एक दूसरे के पिछवाड़े साफ करते हैं, कोई भाई नहीं है, शाहीन की इनके साथ नहीं लगती, मैं ग्रुप बने हुए तुम भाई बाढ़ में गए यार, सारी भाई बंद कर रहे हैं, एक और बात तो मैं बताऊं, असल में पाकिस्तानी टीम
थैंक यू सो मच, बाय बाय।